नमस्कार एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को क्षेत्र के विधायक तथा मंत्री सरयू राय ने दिया बड़ा सौगात। कदमा सुनारी और मानगो क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का मंत्री ने किया उद्घाटन। स्थापना दिवस के दिन राजधानी रांची में लाठीचार्ज में घायल हुए पत्रकारों को न्याय दिलाने एवं दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमशेदपुर प्रेस क्लब की ओर से राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। जिले में चल रहे विकास कार्यों की संपन्न हुई समीक्षात्मक बैठक। राज्य विकास परिषद के सीईओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, शामिल हुए तमाम प्रशासनिक अधिकारी। जगत को धारण करने वाली कल्याणमयी जगतधात्री मां की पूजा विधिवत हुई संपन्न। तीन तिथियों की आराधना में लीन हुए भक्त, लिया सुख समृद्धि का आशीष। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर संपन्न कराई जाती है विधि अनुसार पूजा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर में अपने पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है, जहां कदमा सुनारी और मानगो क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का मंत्री ने उद्घाटन किया। वहीं लगभग 1 करोड़ की लागत से बने इन स्वास्थ्य केंद्रों का सौगात लोगों को दिया गया। साथ ही मंत्री सरयू राय ने अपने विधायक फंड से एक एम्बुलेंस भी देने की घोषणा की। ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र बस्ती इलाकों में बनाया गया है, जिसमें गरीब लोगों को 24 घंटे इसका लाभ मिलेगा। इस स्वास्थ्य केंद्र में अभी फिलहाल एक डॉक्टर और 3 नर्स पद स्थापित हैं। आगे चलकर इन केंद्रों को अस्पताल का रूप दिया जाना है। बस्तियों में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। अभी तो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ डॉक्टर बैठेंगे। बस्ती के लोग दिन भर किसी न किसी काम में रहते हैं, तो शाम को उनका इलाज होगा और धीरे धीरे डॉक्टर की उपलब्धता जैसे होती है, यहाँ दिन भर डॉक्टर बैठेंगे और एक अस्पताल का रूप इसको दिया जाएगा। वार्ड ऐसा भी रहेगा, गायनिक वार्ड रहेगा, महिलाओं की विशेष चिकित्सा की जरूरत पड़ती है उसकी भी व्यवस्था यहाँ रहेगी और इसमें जो भी दवाएं लगेंगी वह स्वास्थ्य विभाग देगा। अभी कहाँ कहाँ खोला गया है? अभी हम लोगों ने एक कदमा में रामजन्म नगर में, अभी सोनारी में ये रूपनगर में और गौड़गोड़ा बस्ती में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ मानगो में ये अस्पताल खुले हैं तीनों। धीरे धीरे इसकी व्यवस्था होगी, दवा की कमी होगी तो उसका इंतजाम हम लोग ही कराएंगे। झारखंड स्थापना दिवस के दिन राजधानी रांची में लाठीचार्ज में घायल हुए पत्रकारों को न्याय दिलाने एवं दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमशेदपुर प्रेस क्लब की ओर से महामहिम राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान सभी पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ये मांग पत्र जिले के उपायुक्त अमित कुमार के माध्यम से सौंपा गया है। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष ने कहा कि न्यूज कवरेज करते समय जिस प्रकार पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मचारियों को पीटा, ये मीडिया कर्मी घायल हुए, इसके उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो, आगे इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे, राज्य सरकार इसे सुनिश्चित अवश्य करे। आज का एक ही मकसद है, पिछले दिनों 15 तारीख स्थापना दिवस, झारखंड स्थापना दिवस के दिन पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें बहुत सारे पत्रकार फोटोग्राफर इंजर्ड हुए हैं। तो इसी को लेके हम इसका विरोध प्रकट करते हुए आज राज्यपाल के नाम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के द्वारा। हम लोग काला बिल्ला लगा के विरोध जता रहे हैं, प्लस एक मेमोरेंडम दिया है। इसके पहले भी हमने जांच की मांग की है, ऑलरेडी जांच की मांग कर दी है। दोषी जो पुलिस कर्मी है उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोबारा इस तरह की घटना ना। जमशेदपुर स्थित जिला मुख्यालय सभागार में शनिवार को राज्य विकास परिषद के सीईओ की अध्यक्षता में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के उपायुक्त समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे। शनिवार को राज्य विकास परिषद के सीईओ अनिल स्वरूप जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय सभागार में जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने तमाम योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना आदि संबंधित सभी योजनाओं पर इस दौरान चर्चा की गई। परिषद के सीईओ ने तमाम पदाधिकारियों को योजनाओं में तेजी लाने, साथ ही समय सीमा के तहत सभी को पूर्ण करने का निर्देश दिया। ये तो मैं चाहूंगा आपसे, अगर आपने कहीं कोई अच्छा काम किया हो तो वो बताइए,
अच्छा काम ये नहीं कहिएगा कि हमारा टारगेट 100,000 हमने 110 कर दिया है, वो तो आप कर ही रहे हैं, उसकी समीक्षा कई लोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कोई विशेष आपने अच्छे काम किया हो तो उसके बारे में जानकारी करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत एक अभियान के रूप में चला रहा हूँ कि अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि खराब काम के लिए डांट तो पड़ती है, अच्छे कार्यों की तारीफ भी होती है। और तारीफ यही नहीं, सामान्य रूप से आजकल सोशल मीडिया उसमें उस बात की चर्चा होनी चाहिए कि अच्छा कार्य कौन सा होगा। एक तो दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कार्य करने से यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसमें क्या कठिनाई आ रही है, और खाली कठिनाई आप मुझे ना बताएं, आप मुझे सुझाव भी दें कि उसका सुधार कैसे किया जाए। और तीसरा जब आप ये जब चर्चा होगी तो मैं अपना थोड़ा बहुत जो मेरा अनुभव है प्रशासनिक जीवन का उसका थोड़ा शेयर करूंगा कि आपको मैं सुझाव दूंगा कि मैंने अन्य जगह से थोड़ा बहुत सीखा है कि आपको शायद अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शायद थोड़ा उसमें आसानी आए। इन तीन बिंदुओं को मैं बल देना चाहूंगा। मैंने एक अनुरोध किया था कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसके बारे में सिर्फ मैं जानकारी चाहता हूँ कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि ये फ्लैगशिप स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की राज्य सरकार की, उनके बारे में तो एक मेरा ख्याल आपने संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया है। इससे संबंधित जो अधिकारी होंगे उनसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा, प्रश्न रिव्यू के रूप में नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी जानकारी के रूप में। और जो है थोड़ा बहुत ये मेरा छठा जनपद है विजिट मैं कर रहा हूँ, अन्य जनपदों में बहुत ही अच्छा मैंने कार्य देखा, आप जैसे लोग हैं टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कई अधिकारी जो विभिन्न समस्याओं के होते हुए भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में जगतधात्री पूजा के मौके पर तमाम मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में मां दुर्गा के 3 तिथियों की आराधना एक ही दिन की जाती है।
शहर के तमाम मंदिरों में इस पूजा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपवास में रहकर माता की पूजा अर्चना की। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मां जगधात्री की पूजा का विधान है। रीति अनुसार सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तिथि की पूजा एक ही दिन संपन्न कराई जाती है। माता के स्वरूप को कल्याणकारी माना गया है। विपत्ति के समय रक्षा के लिए उद्यम करते हुए माँ ने अपने शरणागतों की रक्षा की थी और तभी से लगातार माँ के स्वरूप की पूजा चली आ रही है। चाइल्ड लाइन पूर्वी सिंहभूम जिले ने अपना हेल्पलाइन जारी कर दिया है। 1098 पर 2400 घंटे चाइल्ड लाइन सेवा उपलब्ध है। आपको बता दें कि अगर कोई बच्चा बीमार है या फिर अकेला या किसी छोटे बच्चे का शोषण हो रहा है या फिर कोई बच्चा अपने घर से बेघर हो चुका है तो 2400 घंटे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर बच्चे की सहायता की जा सकती है। ये संस्था आम लोगों से अपील कर रही है कि उन मासूमों की जिंदगी को बचाए जिस मासूम ने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, उसके साथ शोषण हो रहा है। वैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित हो रही है और ये संस्था शहर के हर गली मोहल्ला, चौक चौराहों और गांव-गांव में घूमकर लोगों को जागरूक कर रही है ताकि बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण को रोका जा सके। जो है चाइल्डलाइन इस सिंहभूम है, चाइल्डलाइन 1098 जो बच्चों का हेल्पलाइन नंबर है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो 20 नवंबर तक एक कैंपेन चलता है हर साल, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, जिसमें हमारा जो चाइल्डलाइन है इस सिंहभूम का, तो वो हम लोग चला रहे हैं। और आज जो है हम लोग डीसी ऑफिस में आए हैं, हमारे डीसी सर जो है उनको बच्चों द्वारा चाइल्डलाइन का दोस्ती बैंड बांध के दोस्त बनाने का कार्यक्रम है। और साथ ही यहाँ पे और अन्य जो भी पदाधिकारी कर्मी जो बच्चों के लिए काम करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, उनको भी हम लोग दोस्ती बैंड बांध के बच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई भी बच्चा मुसीबत में हो तो वो 1098 नंबर का उपयोग करें और बच्चे को मदद पहुंचाए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को दिए जाने वाले रोजगार की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। शनिवार को जमशेदपुर अक्षेज विभाग के द्वारा इसको लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल हंसकर के तमाम ट्रेनर शामिल थे। वर्ष 2019 के जनवरी माह में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर झारखंड राज्य नगर विकास विभाग की तरफ से राज्य भर में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाना है। इसको लेकर कुल्हान स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर अक्षेज विभाग सभागार में इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम ट्रेनर शामिल थे। विभाग के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि कुल्हान स्तर पर लगभग 4,600 युवाओं का चयन किया जाना है, जिसके लिए तमाम ट्रेनरों को इससे जुड़े कई दिशा निर्देश बैठक में दिया जा रहा है। साथ ही आगामी 20 से लेकर 23 नवंबर तक टाउन हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां 2,300 युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। यहाँ मेले में तमाम कंपनियों के पदाधिकारी शामिल रहेंगे, जो सीधे तौर पर बहाली लेंगे। पूरे झारखंड में नगर विकास विभाग की ओर से 10,000 लोगों युवाओं को रोजगार दिया जाना है, उसी को देखते हुए आज 17 तारीख को जो है 17 नवंबर को हम लोग पूरे कुल्हान परमंडल के लिए एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें जो भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसको एसटीपी हम लोग कहते हैं, उनके द्वारा आज हम लोग बैठक किया जा रहा है। और उस बैठक में उनको समझाया जाएगा कि जो टारगेट हम लोग को पूरे कोल्हान में 4,623 युवाओं को रोजगार देना है, से संबंधित एक रणनीति बनाएंगे और उन रणनीति के तहत हम लोग कैसे युवाओं को रोजगार दें, इससे संबंधित आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें हमारा लगभग 2,300 रोजगार हम लोग को देना है, जिसमें 3,000 बच्चे को आना है। ये 20 से लेकर 22 नवंबर तक हम लोग टाउन हॉल में एक रोजगार मेला का आयोजन करेंगे, जिसमें इतने बच्चे आएंगे और उनका इंटरव्यू होगा सीपीटी के माध्यम से, और उसमें हम लोग वहीं पर उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। साथ में नियोक्ता कंपनी भी हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से बुला रहे हैं, जिसमें 10 कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा और वहीं पर उनको नियुक्ति पत्र भी दिया। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत कर दी है। वहीं राज्य विकास आयोग की ओर से जमशेदपुर हाई स्कूल में भी आज से ये सुविधा शुरू कर दी गई है। वैसे सरकार का मानना है कि वैसे क्लासों से बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं राज्य विकास आयोग के सीईओ का मानना है कि बच्चों में बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए पीपीपी मोड में सभी स्कूलों में हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को इस तकनीक से जोड़ा जा चुका है। उधर जमशेदपुर हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होने से बच्चों में काफी उत्सुकता देखी गई। वैसे अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि ऐसे क्लासेस का इन सरकारी स्कूलों पर कितना असर होता है। करते हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, और मेरा यह मानना है, जैसा कि अन्य प्रदेशों में स्पष्ट रूप से सामने आया है, कि स्मार्ट क्लास स्थापित करने के फलस्वरूप बच्चों की जो गुणवत्ता है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें सुधार आता है। मुझे आशा है कि यहाँ भी वो सुधार आएगा। अगर आप देखेंगे तो पूरा CSR में नहीं है, ये व्यवस्था CSR में है। कई राज्य सरकार ने अपनी धनराशि से स्मार्ट स्कूल खोले हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो कि सरकार की संस्था है उसमें स्मार्ट क्लासेस खोले हैं, तो ऐसा नहीं है, सरकार भी कर रही है। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट भी कंट्रीब्यूट करे, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करे और साथ मिलकर समस्या का समाधान करे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा
आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें, 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट, देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें, 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो में नगर निगम का चुनाव कराए जाने एवं अन्य दो मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक दिवसीय धरना मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष दिया और मांग किया कि मानगो नगर निगम का चुनाव जल्द कराया जाए। पार्टी के द्वारा इस मांग को लेकर एक दिवसीय धरना मानगो अक्षेस के समक्ष दिया गया। वहीं वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी करने और सरकारी जमीनों पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग इनके द्वारा की गई है। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ये सारी सुविधा आम लोगों तक जल्द पहुंचाए ताकि क्षेत्र का और विकास हो सके और आम लोगों को इसका हक अधिकार मिल सके। बाला के मानगो का नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं हुआ, चुनाव हो। दूसरा, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन 600 रुपया से बढ़ाकर सरकार 2500 दिल्ली के तर्ज पर करे। तीसरा है कि मानगो को सर्वे कराए, अनुवाद बिहार सरकार में घर बना के 80% लोग यहां पर आ रहे हैं। जिन लोगों को सरकार रोड बिजली पानी नाला नाली दी है, मकान का टैक्स भी ले रही है, लेकिन हमारा जमीन का हमारा घर का मोटेशन नहीं होता, बैंक का लोन नहीं मिलता है, इसलिए सरकार सर्वे कराए और सबको दाखिल खर्च मोटेशन का अधिकार दे। ये तीन मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारी आंदोलन चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं होगी। सरद से लेकर सदन तक आंदोलन चलेगा, क्योंकि क्षेत्र का स्थानीय विधायक सह मंत्री सरजू राय जी के नेतृत्व में क्षेत्र चल रहा है और नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, कपाली साथ में बना चुनाव हो गया। आखिर सरजू राय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक कैबिनेट मंत्री हो, क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें मिली भगत है। जमशेदपुर में हिलटॉप स्कूल के द्वारा 38वां वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। टेलको स्थित सुमन मुलगांवकर स्टेडियम में हिलटॉप स्कूल के द्वारा 38वां वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में टाटा मोटर्स के सीनियर जीएम विशाल बास के अलावे स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं शामिल थे, जहां वार्षिक खेलकूद की शुरुआत आकर्षक मार्च पास्ट के साथ की गई। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से अपने अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां छात्राओं के द्वारा आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टाटा मोटर्स के सीनियर जीएम विशाल बास्क ने कहा कि इस तरह के खेलकूद प्रतियोगिताओं से छात्राओं का मानसिक विकास होता है, जहां छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को स्कूल द्वारा दिए गए मंच के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी पहचान को देश एवं राज्य स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। Is one that makes you learn two major things. One, to learn from failure, how to achieve success through continuously working upon your failures and with continuously grit your means, perseverance with passion. And that's what is the apt theme today, perseverance your strength. हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो
तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।